हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है दलिया खिचड़ी। दलिया बनाने के लिए मैं ली हूँ आधा कप दलिया, एक कैप्सिकम, एक ओनियन, थोड़े से पी, गाजर, 7-8 करी लीव्स, अदरक, टमाटर, धनिया की पत्ती और मशरूम। सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब सबसे पहले दलिया को रोस्ट करेंगे। तो 1-2 मिनट के लिए मैंने दलिया को रोस्ट कर लिया है। दलिया को ब्रोकन व्हीट भी कहते हैं, ये बहुत ही पौष्टिक होता है। इसे बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में 2-3 चम्मच सरसों तेल डाला। आप इसके जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाला, इसके साथ ही आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा चटक जाए इसमें डालेंगे प्याज, अदरक और करी लीव्स। इन सबको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे कटे हुए कैप्सिकम, मैंने एक मीडियम साइज का कैप्सिकम लिया था। फिर कटे हुए गाजर और टमाटर, इन सबको मिक्स करते हुए 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो हमारा टमाटर और जो सब्जियां हैं वो सॉफ्ट हो जाए। 1-2 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी मशरूम और फिर से इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं डालूंगी दलिया। दलिया को बस इसमें मिक्स करना है, क्योंकि हमने दलिया को पहले ही रोस्ट कर लिया था, तो इसलिए दलिया को भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसे बस मिक्स कर लेंगे। के साथ ही डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। और साथ में नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और फिर सबको मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मटर और फिर से सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। तो मैंने आधा कप दलिया लिया था, तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 गिलास पानी लिया है, क्योंकि दलिया पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए पानी की क्वांटिटी कम से कम दलिया का 6 गुना होना चाहिए। तो मैंने लगभग 3 गिलास पानी डाला और इसके साथ ही 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर, सबको अच्छे से मिक्स करते हुए प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे 3 सीटी आने तक कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। दलिया में फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो हेल्थ के साथ साथ यह वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे लगभग 3 सीटी लग चुकी है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुकर ठंडा होने के बाद मैंने ढक्कन खोला और ये दलिया अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालूंगी और इसके ऊपर से कटी हुई धनिया का पत्ती स्प्रेड करेंगे और ये हमारा दलिया बनके तैयार है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।